Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है वो है जी फिजिकल फीचर्स लुक्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट, उन कैसे दिखते होंगे. ओके, सुपर डुपर डिटेल रीडिंग है. मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी कि क्या क्या डिटेल्स इसमें हैं. ओके, पहले आप अपना ग्रुप चूज़ करने हैं. पाइल वन में हमारे पास आज क्रिस्टल्स हैं पिंक, पाइल टू में क्रिस्टल है जी टर्कोइस. ओके, मैं आपके करीब कर देती हूँ ताकि आपको मेडिटेट करने में आसानी रहे. ओके, तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्रिस्टल्स, उसको आप चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप वन, अगर आपने पिंक कलर के क्रिस्टल्स चूज़ किए थे, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या लुक्स है, उनकी क्या कैसे दिखते होंगे वो. ओके, कैसे दिखते हैं जी आपके पार्टनर. उसके बाद गाइस ये हैंडमेड भी कार्ड है. ओके, यहाँ बाद में देखते हैं इनके पहले हम जी आपके पार्टनर के लुक्स. गाइस सुपर डुपर डिटेल रीडिंग है. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर फेशियल फीचर्स, बॉडीली फीचर्स, हर चीज़ को आज डिस्कस करेंगे. आप रेजोनेट ताकि कर सकें आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं, ये भी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो. ओके जी, पेज ऑफ फायर, सिक्स ऑफ वाटर, फाइव ऑफ फायर्स, किंग ऑफ वाटर, नाइन ऑफ एयर, सेवन ऑफ फायर. ये गाइस फेशियल फीचर्स की मैंने निकाले हैं कार्ड. उसके बाद बॉडी फीचर्स के हम दोबारा से पुल आउट करेंगे. गाइस फेशियल फीचर्स में ना मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके फेशियल फीचर्स में जहाँ तक इनके फेस शेप का ताल्लुक है, इनके फेस की शेप है जी वी शेप है, स्लिम है इनका फेस. ओके, तीनों कार्ड्स में जी स्लिम फेस आए हैं. वी शेप हो सकती है, हाँ थोड़ा सा राउंड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वी शेप है. जॉ लाइन इनकी काफ़ी सिमेट्रिकल है, जॉ लाइन इनकी शार्प है. ओके, या तो जहाँ तक इनकी ताल्लुक है नोज़ का, गाइस नोज़ भी इनका शार्प है, बिल्कुल राउंड नहीं है वैसे वो. इनके थोड़ा सा हम कहते हैं जैसे राउंड शेप होते हैं नोज़ के, नहीं इनके नाक लंबी है और पॉइंटेड है. या इनकी नाक लंबी है तो बहुत लंबी नहीं है, मीडियम है, बट यू नो थोड़ी लेंथ में आती है, लेकिन है ये पॉइंटेड इनकी नोज़. लिप्स भी इनके बस मीडियम से ही हैं, ज़्यादा इतने वो स्वेलन लिप्स नहीं है, बड़े बड़े लिप्स नहीं हैं, मीडियम भी लिप्स भी मीडियम है. आईज की कलर गाइस यहाँ पर आ रहा है डार्क ब्राउन. किसी के केस में है समबडी इज हेयर विद ब्लू आईज आपके पर्सन की. ओके, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है वहाँ पर डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर की आईज हैं. और आईज की शेप ये है कि आईज की शेप में देख लो लंबी आईज हैं गाइस, मतलब बहुत बड़ी नहीं, मतलब वो चौड़ी ज़्यादा नहीं है, ब्रॉड इतनी नहीं है, मोटी मोटी नहीं है, हैं स्लिम आँखें लेकिन लंबी हैं, थोड़ी सी लेंथ में थोड़ी ज़्यादा हैं. आईज प्रोमिनेंट हैं इनकी, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन वैसे लंबी आँख है इनकी. ठीक है, आई लैशेज भी बस नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा घनी थे कि आई लैशेज इनकी नहीं है. अच्छा, ये जी हो गए इनके बॉडी फेशियल फीचर्स. कम्प्लेक्शन का जहाँ तक इनका ताल्लुक है, कम्प्लेक्शन है जी इनका मीडियम टू फेयर, मीडियम टू फेयर कम्प्लेक्शन है आपके पर्सन का. डार्क नहीं नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ, एब्सोल्युटली मीडियम कम्प्लेक्शन से लेकर के फेयर कम्प्लेक्शन की तरफ जा सकता है, किसी भी टोन में बीच में हो सकता है. अंडर टोन इनकी वार्म है. हाँ, स्किन इनकी कह सकते हैं बस ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर
स्किन है ऐसा नहीं है, कभी कभी पिंपल्स का इशू भी इनको रहता है। फेस पे इनका या तो क्लीन शेव है, बियर्ड किसी किसी के केस में हो सकता है, लेकिन वो भी कभी कभी ये शेव कर लेते हैं, परमानेंट बियर्ड ये नहीं रखते। गाइज आई एम सीइंग हियर समबडी वियरिंग सम कैप, यहाँ तो ये कैप पहन कर रखते हैं या फिर इनकी कोई प्रोफेशन ऐसा है जहाँ इनको कैप पहननी पड़ती है किसी भी प्रोफेशन में। अभी आज हम प्रोफेशन पे बात नहीं कर रहे लेकिन ये कैप पहनते हैं या ठीक है। तो जहाँ तक इनके हेयर का ताल्लुक है गाइज, गाइज यहाँ पर हेयर आ रहे हैं जी वेव्स में, सिल्की डेड स्ट्रेट हेयर नहीं है यहाँ पर किसी के भी। हेयर इनके थोड़े थोड़े वेव्स में आ सकते हैं, लाइट वेव्स भी हो सकती हैं, बट कलर इनका बालों का आ रहा है जी, मुझे यहाँ पर कलर्स नजर आ रहे हैं वो रेड, ब्राउन, ब्लैक, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकता है किसी का, क्योंकि किंग ऑफ वाटर है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकती है, लेकिन ये किसी के लिए ज़्यादातर नहीं है। हेयर इनके बस मीडियम है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल बॉल्ड भी नहीं है, बस मीडियम से हेयर है, लेकिन है वेवी, ये 100% बात है। ठीक है जी, या गाइस ये पर्सन ऐसा है, इसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैं, दोस्त या इनकी सहेलियाँ फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी इनका फ्रेंड जोन एक्सटेंडेड है। या अच्छा अब गाइस इनके आ जाते हैं बॉडी फीचर्स पर, इनकी बॉडी जिसम इनका कैसा है, स्लिम है, बॉडी ओवरऑल स्लिम है, एक्सट्रीम पे एथलेटिक भी नहीं है कि बिल्कुल ही मस्कुलर हो, हर चीज़ मसल्स बने हुए हो, मसल मस्कुलर ये पर्सन नहीं है, एक्सट्रीम पे स्लिम है। एंड वैसे देख रही हूँ वेस्ट इनकी काफ़ी वेल डिफाइंड है, अच्छी वेस्ट है, मतलब स्लिम वेस्ट है, कह सकते हो आप 33, 34, 35 इस तरह करके, 36 भी हो सकता है, इतने स्लिम है। मीडियम स्ट्रक्चर है इनका बॉडी, स्केलेटन का मीडियम स्ट्रक्चर है, एंड इनकी हाइट है, जो हाइट है इनकी गाइस, दे डू हैव लॉन्ग हाइट, 5'10" के राउंड अबाउट हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है लड़कियों के केसेस में, लड़कियों के केसेस में गाइस 5'3", 5'2", 5'4" इसके राउंड अबाउट है, लेकिन ये दे आर टॉल, अपने 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 एथनीसिटी के लिहाज से, अपने जेंडर के लिहाज से दे आर कंसिडर्ड टॉल। ठीक है, शॉर्ट हार्टेड ये नहीं है आपके पर्सन। गाइस बालों की मैं लेंथ बताना भूल गई हूँ, लड़कियों के केसेस में गाइस बाल लंबे हैं, मैम डाउन शोल्डर्स हैं, शोल्डर से नीचे हैं, लड़कों के केस में शॉर्ट हैं, लेकिन किसी किसी लड़के के लंबे बाल भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स में लंबे बाल हैं, कोई है जो लंबे बालों को शौक रखता है, लंबे बाल इनके हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इनकी जो लेग्स आर्म्स की बॉडी की मैं आपको बात बता रही हूँ, दिस पॉसिबल है इनके फोर आर्म्स थोड़े से यू नो बाइसेप्स वगैरह बने हुए हों थोड़े से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर मस्कुलर है, मस्कुलर नहीं है ये, लेकिन कभी कभी बॉडी बना, कभी कभी उनको शौक चढ़ता है जिम का, और जिम करते हैं तो बॉडी थोड़ी देर के लिए बना लेते हैं, महीने दो के लिए, उसके बाद फिर वापस अपनी असली हालत में। ठीक है, शोल्डर भी इनके बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, मीडियम से शोल्डर भी मीडियम स्ट्रक्चर है गाइस ओवरऑल इनका। हाथ पाँव भी इनके ठहरे, हाथ में गाइस हाथ पतले हैं इनके, पाँव भी पतले हैं, बहुत मोटे मोटे नहीं हैं, पतले पतले पाँव हैं, हाथ भी, फिंगर्स इनकी लंबी हो सकती हैं एंड स्लिम हो सकती हैं, हाथ इनके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी हाथ नहीं है, बहुत ज़्यादा जिनमें गोश्त होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा वो नहीं है, मोटे हाथ नहीं, पफी हैंड्स नहीं है। ओवरऑल ऑरा गाइज इनका ये है, ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल लुक्स आप कह लें या जो भी कह लें, ओवरऑल लुक्स में ये है कि यह पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि यह पर्सन जब आपको नज़र, किसी को भी ये नज़र आते हैं तो एक फिट, स्लिम, एक्सट्रीमली हैंडसम या ब्यूटीफुल ये नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूँ क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी का इतना ज़्यादा कार्ड नहीं आया है, लेकिन इस पर्सन की बॉडी काफ़ी फिट है, शक्ल मीडियम सी है लेकिन बॉडीली काफ़ी फिट है, एंड
इनको राइडिंग का बहुत शौक है, मैं भी हॉर्स राइडिंग का या कार्स वगैरह चलाने का, बाइक्स वगैरह चलाने का इनको बहुत शौक है। गेमिंग में इंटरेस्ट हो सकता है इनको, गेम्स खेलते हों। इनके इनके छोटे बहन भाई भी हैं, कोई हैं, ये सबसे छोटे नहीं हैं घर में, इनके छोटे भाई बहन भाई और भी हैं। वैसे ही इनका बड़ा पैशनेट है, काफ़ी इनको काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है, खेलने में, गेमिंग में, जैसे पबजी है या डिफरेंट किस्म के गेम्स हैं, ये इस किस्म के काफ़ी पसंद करते हैं खेलना। एडवेंचरस ही, इनको आर्मी में जाने का शौक़ हो सकता है, या आर्मी में ऑलरेडी हो, किसी और फोर्सेज में हो, या इस तरह अगर आपके पर्सन हैं। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको लुक्स में। तो लेट्स सी हैंडमेड्स। कुछ आपके लिए इंडिकेशन और आ जाए तो अच्छा है। ओके जी, ब्लैक विद ब्राउन मिक्स सूट शायद इन्होंने पहना हो जब ये आपको मिले, ब्लैक या ब्राउन इस तरह के कपड़े पहने हों। स्ट्रांग बिल्ट, ठीक है, वीक बिल्कुल नहीं है इनकी बॉडी, मैंने बताया फिट है, स्ट्रांग है ये पर्सन, एथलेटिक हो सकते हैं, या एथलेटिक तो हो सकते हैं, एथलेटिक बॉडी इनकी हो सकती है, स्लिम है, वैसे स्ट्रांग है। एंड रिस्ट वॉच का काफ़ी शौक हो सकता है इनको, मतलब घड़ियाँ पहनने का। काली आंखें, ब्लैक कलर की आईज, ठीक है। स्मार्ट, स्मार्ट है, स्मार्ट टू मैं को पहले बताया, स्मार्ट है ये पर्सन काफ़ी। वेवी हेयर, ठीक है जी, वेवी हेयर मैंने आपको पहले टैरो में भी बताया था, इधर भी निकल आया है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। सो लॉन्ग हेयर, ठीक है, गर्ल की केस में या किसी लड़के के केस में भी हो सकता है, लॉन्ग हेयर के भी दो कार्ड्स थे अगर आप रीडिंग पूरी सुन रहे हैं तो। डार्क ब्राउन कलर के बाल, ठीक है जी, लीन बॉडी, ठीक है ना, पतली स्लिम बॉडी है। फायरी आईज, आंखों में काफ़ी इनकी आग है, फायर है, पैशनेट आईज, आपको देखेंगे तो आपको लग समझ जाएंगी इनको किसी ने देखा है। ओके जी, फिक आई लैशेज, ठीक है। कंप्यूटर आया जी, कंप्यूटर पे शायद कोई काम करते हो, पॉसिबल ग्लासेस भी लग गई हो इनको कंप्यूटर पे काम कर करके, ठीक है जी। और हम देख लें एक आखिरी कार्ड, क्लियर स्किन है गाइस, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वो गड्ढा हो क्या होते हैं स्किन पर निकले हुए दाग और वो स्पॉट्स वो नहीं है। ओके, क्लियर स्किन है। तो आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग अपने पार्टनर की, आपने पता चल गया होगा कैसे लिख से ओवरऑल आपके पार्टनर की। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अलाउ लवलीज पाइल टू, अगर आपने टर्कोस किस्म के स्टोन चूज़ किए थे टर्कोस कलर के, तो लेट्स सी आपके पर्सन की लुक्स कैसी है। गाइस, दिस इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड रीडिंग अबाउट योर पर्सन लुक्स, सिर्फ हम अपीयरेंस पर आज बात कर रहे हैं, उनके ओवरऑल और आप पर्सनैलिटी पर, ताकि आप रेजोनेट कर सको अगर आप मिल भी चुके हो, या वैसे भी अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। गाइस, मैं पहले फेशियल फीचर्स, बॉडी फीचर्स, ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट, ओके, आईज, उनके नोज, लिप्स, बॉडी स्ट्रक्चर, लेग्स, आर्म्स, शोल्डर, फीट, ओवरऑल उनकी कंप्लेक्शन, बाल, ठीक है। चलें जी, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, व्हाटएवर, लुक्स उनकी कैसी रहेगी कि आपके लिए है जी। ओके, पेज ऑफ फायर, एट ऑफ वाटर, फाइव ऑफ एयर, लाइफ एक्सपीरियंस,
I'm seeing here Five of Earth. Charging a water. King of Air. And here हमारे पास magician. Okay, pile number 2. आपके person के looks, future spouse के looks क्या हैं? पहले मैं फेस से बात करूँगी, फिर मैं बॉडी की तरफ आऊँगी ऐसा ऐसा. ओके गाइस, फेशियल स्ट्रक्चर इनका है. आई एम सीइंग हियर मैस्कुलिन, जो लड़के हैं मैस्कुलिन उनकी फेशियल फीचर्स हैं. स्ट्रॉन्ग इनकी या बॉडी जो सॉरी इनका फेस का स्ट्रक्चर शेप है, या कोई इतनी वेल डिफाइंड शक्ल नहीं आ रही, लेकिन स्क्वेयर से लेकर के ओवल शेप भी हो सकती है. स्क्वेयर एंड ओवल शेप यहाँ पर दो आ रही हैं आपके पर्सन की फेशियल स्ट्रक्चर में. ठीक है, जॉ लाइन में, जॉ लाइन बिल्कुल ही इनकी वो बिल्कुल वी शक्ल की नहीं है, एंड स्क्वेयर फेस है, थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है. ओके गाइज, इनकी आंखें जो हैं, लेट मी सी आंखें इनकी. गाइज आंखें इनकी बड़ी हैं. किसी के लिए लड़कियों की केसेस में ही बड़ी हैं, लड़कों के केसेस में भी मीडियम से लेकर के बड़ी हो सकती हैं. कलर लाइट ब्राउन से लेकर के हेजल, हनी, डार्क ब्राउन, सब ब्राउन के शेड्स पॉसिबल हैं. किसी के केस में ब्लैक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मुझे हेजल, हनी एंड थोड़े ग्रे के में भी टोन जा रही है आईज़ की. ओके बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वायरल एनर्जी है, तो मे बी आई कैन से ग्रे ब्लू आईज़ भी किसी की कलर आईज़ भी हो सकती हैं. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है जब आप पहली दफ़ा इनको देखो, इन्होंने लेंस लगाए हों, बिकॉज यहाँ पर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रे कलर बहुत ज़्यादा है आँखों में, इन्होंने कलर लेंस लगाए हों जब आप पहली बार इनको मिलो. ओके कम्प्लेक्शन है यहाँ पर फेयर, फेयर कम्प्लेक्शन है इनका, और मीडियम, मीडियम भी हो सकता है, दो आए कम्प्लेक्शन फेयर एंड मीडियम. ठीक है जी, कम्प्लेक्शन इनका फेयर एंड मीडियम है. स्किन इनकी एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, लेकिन किसी की केसेस में हो भी सकती हैं क्लियर, बिकॉज यहाँ पे एक आए हैं यहाँ पर एक्सट्रीम क्लियर शक्ल, काफ़ी गोरी शक्ल, काफ़ी वाइट कम्प्लेक्शन भी है यहाँ पर विद एब्सोल्युटली क्लियर क्रिस्टल क्लियर फेस. लेकिन यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर दूसरे कार्ड्स भी हैं, यहाँ पर एनर्जी और लोगों की भी है, मीडियम कम्प्लेक्शन भी हो सकता है इनकी. इनकी चेहरे पर एक वो है, मैस्कुलिनिटी है. पॉसिबल है आपको कभी कभी लगे कि ये गुस्से में है, लेकिन ये गुस्से में ना हो, इनकी शक्ल ही ऐसी है. ठीक है, गुस्से वाली तो ये कुछ इस तरह की इनकी शक्ल आ रही है. गर्ल्स कम्प्लेक्शन मैंने बता दिया है आपको. बाल का जहाँ तक काम है इनका, जो लड़कियाँ हैं गाइस यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली लंबे बाल नहीं हैं लड़कियों के लिए भी, मतलब शोल्डर्स तक हो सकते हैं या उससे नीचे है, अगर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो कमर तक भी नहीं मैं कह सकती, ऊपर ही होंगे, शोल्डर्स तक होंगे. लड़के के केस में भी यहाँ पर शॉर्ट हेयर है, लेकिन यहाँ पर गाइस बैंग्स हैं यहाँ पर. ओके स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जी बैंग्स की. बैंग्स अगर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता तो मतलब जो फॉरहेड के ऊपर हम बाल कटवा लेते हैं, लड़के भी आजकल फैशन है इसका, एंड लड़कियों का भी, जिसको फ्लिक भी कहते हैं अपने अपने लैंग्वेजेस में, आप लोग जो भी कहते हैं शॉर्ट कटिंग आगे से बालों की जो माथे पे गिर रहे होते हैं. ठीक है ना, इस तरह के बैंग्स हैं यहाँ पर. सिल्की हेयर है, या सिल्क ही हेयर है यहाँ पर. स्ट्रेट से लेकर के लाइट वेव्स में जा सकते हैं, इस फाइल में स्ट्रेट हेयर भी है. जेट ब्लैक हेयर, स्ट्रेट, सिल्की, गिरे हुए बैंग्स. लड़के के केस में भी आई एम सीइंग हेयर थोड़े से लंबे बाल कानों से नीचे रख सकता है, जैसा आजकल काफ़ी ट्रेंडी है ये हेयर. ओके तो ये चीज़ है. बाकी इनकी बॉडी की तरफ जाते हैं जी, बॉडी स्ट्रक्चर इनके
Because I'm seeing somebody with bari bari body, fuller body, strong body, बिल्कुल ये tiny waist नहीं है इनकी, ठीक है, इनकी tiny waist नहीं है, ये medium से लेकर के थोड़ी सी chubbier side पर है आपके person, medium से लेकर chubbier side पर है, इनकी waist 34 plus होगी, 36 plus भी हो सकती है. यहाँ पर चबियर साइड है बॉडी स्ट्रक्चर में, इनके बाजू टांगे जो हैं लेग्स, ठीक है ना, लेग्स स्ट्रांग है इनकी, थाइज इनके काफ़ी स्ट्रांग है, लेग्स इनके स्ट्रांग है, फोर आर्म्स इनके स्ट्रांग है, बाजू, गाइस आई एम सीइंग हिम होल्डिंग समथिंग, स्टिक, सोर्ड, गन, एनीथिंग, प्रोफेशन है इनका कुछ इस तरह का, कुछ पकड़ते हैं हाथ में, ठीक है, कोई वेपन है, कुछ स्टिक है, पुलिस, आर्मी, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है ये, सिक्योरिटी में भी हो सकते हैं, किसी सिक्योरिटी सिस्टम में भी हो सकते हैं. गाइस ये ट्रैवलर है पर्सन, काफ़ी इसको ट्रैवल भी करना पड़ता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रैवल हेयर, मुझे बहुत सारे हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल लवर है ये पर्सन. इनको स्विमिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा इनको स्विमिंग का शौक है, एंड आपको भी हो सकता है ये ऑफ़र करें, लेट्स स्विम टुगेदर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं. गाइस इनके शोल्डर्स इनके ठीक है, अच्छे हैं, चौड़े हैं, ब्रॉड हैं, काफ़ी शोल्डर्स इनके ब्रॉड हैं, चाहे इनकी वेस्ट भी इतनी ज़्यादा स्लिम नहीं है, लेकिन शोल्डर्स इनके काफ़ी ब्रॉड हैं, कुछ इनहेरिटेड है इनका, कोई इनकी कोई डैडी का है इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर, तो उससे उन्होंने इनहेरिट किया है. हाथ और पाँव इनके, हैंड्स एंड फीट, वेट लेट मी चेक, हैंड्स एंड फीट हियर, गाइस फीट आप इनके कम ही देखेंगे शादी से पहले, बिकॉज ही इज़ वेयरिंग बूट्स, बंद जूते ऑल द टाइम, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इनके पाँव देखें तो ये स्लिम पाँव नहीं है इनके, बस ठीक है, अच्छे खासे हैं, ठीक है. जब ये साइड पर इनके हाथ भी हैं, पफी हैं हाथ इनके, लेकिन सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, आपके हाथ यूज करके पकड़ेंगे, लड़का है तो आपको काफ़ी सॉफ्ट फील होगा, लड़की वेज स्टिल शी हैज़ वेरी सॉफ्ट हैंड्स, पफी हैंड्स, हड्डियों वाले नहीं हैं हाथ इनके, ठीक है, हार्ड नहीं है, एंड या गाइस ओवरऑल और आपके पर्सन का ये है कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, भरा भरा जिसम, ओवरऑल जो को पहली लुक में इनको देखता है, भरा भरा जिसम, बियर्ड है इनकी, ठीक है, कुछ लोग केसेस में क्लीन फेस शेव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बियर्ड है, रख सकते हैं, लेकिन क्लीन शेव्ड भी यहाँ पर कोई ना कोई है. गाइस ये आई एम सीइंग समबडी फ्रॉम फॉरेन कंट्री एज वेल, कोई फॉरनर भी यहाँ पर हो सकता है, ओके ना, या तो गाइज नोज़ इनकी, नोज़ डिफरेंट किस्म के यहाँ पर आ रहे हैं डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन शेप मुझे एक तो पॉइंटेड भी है किसी के लिए, और किसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप में भी नोज़ इनकी हो सकती है, ओके. तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, मेरे हैंडमेड्स हैं वो देख लें, बाकी मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए आपके लिए. आई थिंक काफ़ी डिटेल से आज मैंने लुक्स पे बात की है, इच एंड एवरी थिंग, अगर आप रीडिंग सुन रहे हो साथ साथ, सो कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लें आपकी पर्सन की. ओके वेरी फेयर, ठीक है जी, कम्प्लेक्शन आया है जी वेरी फेयर, बोनी है जी काफ़ी, थोड़े से हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कोई बोनी, या वैसे ओवरऑल ओवर पर्सनैलिटी में तो चबियर आया है, लेकिन किसी के लिए हो भी सकता है थोड़े से हड्डियाँ वड़ियाँ निकली, कम्युनिकेशन जॉब हो सकती है इनकी कहीं ना कहीं, क्लियर स्किन है, ओके, कोई पिम्पल कोई इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं है, शक्ल पे डार्क स्पॉट्स इस तरह की चीज़ें नहीं हैं.
और है जी ब्राउन जैकेट पॉसिबल है इन्होंने पहनी हो आपको पहले मिले जब पहले कोट या जैकेट एनीथिंग ब्राउन कलर के कपड़े। चबी देखिए मैंने बताया था चबी और साइड पर हैं थोड़े से ये है ना। शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट हो सकती है, हाइट में बताना स्माइल को भूल गई हूँ वैसे। वैसे टैरो में तो इतनी शॉर्ट हाइट नहीं है, मीडियम से लो टॉल है, लेकिन यू नो मे बी फॉर समबडी किसी के लिए हो सकता है। स्लिम वेस्ट, ओके, स्माइलिंग आइज, स्लिम, चबी स्लिम दोनों आ गए। चलें जी, आपको पता काफ़ी इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल जो देख रहे हैं, तो फिर डिफरेंट से डिफरेंट एनर्जीज आती हैं। ये ब्रॉड शोल्डर मैंने बताया है आपको कि काफ़ी इनके ब्रॉड शोल्डर्स हैं। ब्राइट स्किन, काफ़ी गर्ल्स कम्प्लेक्शन काफ़ी यहाँ पर ब्राइट है। हेजल आइज, ठीक है जी। रिस्ट वॉच का शौकीन है ये, रोज़ को रोज़ से संबंध है आपका, आपको शायद रोज़ कहते हैं, आई डोंट नो। साइंस डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टैंड स्किन भी हो सकती है। कंप्यूटर से कोई काम रहता है इनका दिन रात। ब्लैक हेयर, काले रंग के बाल हैं इनके, ओके। रेड ब्राउन हेयर भी हो सकते हैं, रेडिश ब्राउन टोन, किसी ने डाई वाई किया हो, किसी लड़की ने, लड़के ने, ओके। डार्क ब्राउन हेयर, ठीक है। कुछ और देख लें इनकी आँखों का, ब्लैक आइज, ठीक है जी। एक आँखों का और देख लेते हैं, ब्लू आइज, ब्लूइश यहाँ पर है वाइब, किसी के लिए है। समबडी इज़ देयर विद अ ब्लू आइज, किसी का पार्टनर है यहाँ पर, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स, आई होप काफ़ी अब डिटेल रीडिंग हो गया है, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।